बुजर कहाँ रहते हैं? बा पार्टी में क्या है? युवा कांग्रेस में पूर्व उपाध्यक्ष। पूर्व उपाध्यक्ष भाजपा मनोज तिवारी के ऊपर आरोप लगा है 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए महीने का, इसका आप क्या कहना चाहेंगे? ये निंदनीय है, दुखद है और इससे कार्यकर्ता को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और बहुत ही निंदनीय कार्य है। नहीं, इस वीडियो वीडियो बनाया उसमें कहाँ तक सच्चाई है? अब वीडियो में तो सच्चाई साफ दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि उन्होंने पैसे की डिमांड की है? बिल्कुल, उसमें जो चल रहा है उसमें चल ही रहा है, वो दिखाई दे रहा है सबको। अभी जैसे एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें कि मथुरा के किसी बंदे को आगरा का महासचिव बनाया गया। जी जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल गलत बनाया गया। ये मेरे पास ये उसका मनोनीत पत्र है, ये ले रहा है। 2018 में जिला सचिव मथुरा में रहा और उसको यहाँ कुछ कैसे भी करके आगरा में महासचिव पद पर पुनरुद्ध कर दिया। ये कैसे कर दिया? ये फर्जी तरीके से, इतनी जल्दी नहीं कर सकते। ना उसका यहाँ कोई वोटर है, ना उसकी यहाँ कोई आधार है, ना कोई वो। आपने उसकी कोई शिकायत की? हमने शिकायत की, सभी से की, कोई जवाब नहीं आया। मैं 15 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, पदाधिकारी हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बाहर का रहने वाला हूँ। मनोज तिवारी जी को जानते हैं? खूब अच्छी तरह से हमारे साथ में रही है, 2-3 साल से आई है जब से कांग्रेस में, मैं तो पुराना हूँ। अभी इन पे जो पैसे लेने का आरोप लग रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें आरोप वगैरह नहीं लग रहा है, बिल्कुल पैसे लेने की बात है। वो तो हमारे यहाँ विधानसभा में ही भ्रष्टाचार कर रही जगह जगह। जैसे कि हमारे यहाँ जो एक बात अभी हुआ था, एक गौशाला का प्रकरण उठाया गया था, डेरक के पास बनी थी, तो इन्होंने RTI से उसकी जानकारी मांगी। जब उसकी RTI से जानकारी मांगी, कुछ लोगों ने इनका साथ दिया, बाद में वो बात दब गई, तो पूछा भाई बात कैसे बंद कर दी, क्या बात है? तो उसमें बात यही निकल करके आई कि उन्होंने उससे 2 लाख रुपए ले लिए, इसलिए उस बात पर उन्होंने पर्दा डाल दिया। अब जैसे इसमें नाम आ रहा है आपके पूर्व जिलाध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के राघवेंद्र सिंह मीनू जाधव का, जिलाध्यक्ष जी कह रही है कि साजिद ने मिलकर ये काम किया, साजिद कह रहा है कि मीनू जाधव ने कराया, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई किसी ने नहीं कराया। जब एक बात बताई, आप वीडियो में खुद जिलाध्यक्ष रिश्वत मांगती दिखाई दे रही है, इससे हमारे इस कृत्य के लिए पार्टी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी और पार्टी को उन्होंने बहुत कमजोर काम करने का काम किया है। इससे हम सब कांग्रेसियों का मनोबल टूटा है और हमको नीचे की निगाह हो गई है। मैं तो ये जानता हूँ कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं ऐसे लोगों को, हम तो ये कहते हैं इन्होंने जो गद्दारी की है पार्टी तत्काल इन्हें 6 साल के लिए कम से कम पार्टी से निकालने के खिलाफ FIR दर्ज कराए। हाँ, मेरे पे ही नहीं तो ये कह रहा है कि चिल्लू भाई, मैं और मेरे जिला प्रभारी मुकेश धनगर, तीनों लोगों ने मीटिंग करी, उस मीटिंग में तो जो हुआ 20,000 रुपये उसे दे दो, इस तरह की बातें जो आ रही हैं, कोई लेना देना नहीं है। जब इस तरह की वीडियो वायरल हुई है तो ऐसी भी कोई वीडियो वायरल हुई होगी जिसमें हम लोगों का लेन देन हुआ हो या हम लोगों की बात हुई हो। सत्यता ये है कि पैसे मांगने में कल ही घुल जाने के बाद इस तरह के बयान क्या कुछ भी कह सकती है। कभी पार्टी के दूसरे नेताओं को घसीटती है, कभी प्रदेश अध्यक्ष को घसीटती है, कभी धनगर को घसीटती है, कभी MS सिंह को घसीटती है, तो रोजाना बयान बदलती है। उसमें मैं क्या कहूँगा, पार्टी सब समझदार है, तीनों लोग जो ऊपर बैठे हैं तीनों विधायक हैं और कार्यकर्ता की नस नस से वाकिफ हैं, तो कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है। मेरी तो सिर्फ इतनी लड़ाई रही है कि बगैर बात को मेरे को इन लोगों ने निकलवाया था, वो लड़ाई मेरी चल रही है। जबकि उस दिन मैं मीटिंग में भी नहीं था जिसमें मेरा निष्कासन हुआ। जिस दिन मेरा निष्कासन हुआ उसकी जाँच लल्लू जी ने खुद की थी और अपने लोगों से करवाई थी, तो उस मीटिंग में जितने भी लोग थे मीटिंग में निष्कासित हुए थे उन सबसे अलग अलग तरीके से पूछा गया, जिसमें पाया गया कि राघवेंद्र सिंह मीटिंग, उस मीटिंग में राघवेंद्र सिंह मीनू थे ही नहीं। उसके आधार पे उन्होंने कहा था कि राघवेंद्र सिंह तुम्हारा सम्मान भी करना है, लल्लू जी के ये शब्द थे, मैं दूसरे दिन ही पहुँच गया था और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भैया उसकी तो बात मैं ये कहता हूँ, उस वीडियो को आप चेक करा लीजिएगा, उसमें जो पैसा खर्च होगा मैं दे दूँगा। जी, आरोप लगाने वाले कोई और नहीं, फ्रॉड आरोपी है जो कि वो जेल जा चुका है और उसका पूरा चिट्ठा मेरे पास नहीं था, ना मुझे पता था कि वो क्या किया, उसने कैसे बनाया, लेकिन मेरा इसमें कोई दोष कहीं लेस मात्र का नहीं है। और जो वीडियो वायरल हुआ है, वायरल करने वाला एक फ्रॉड है, ये मेरे पास पूरा चिट्ठा है, ये देखिए फर्जी वो बना बना के जो कि मैं निकाल के लाई हूँ, 4 दिन से उसी में लगी हुई थी। मैं मुझे अपने गरीब लोगों पर, आगरा की जनता पर भरोसा था। 10 महीने में मैंने पार्टी के लिए बहुत बड़ी मेहनत करके एक पार्टी को मजबूती दिलवाई है और दिलवाऊंगी आगे भी। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, धन्यवाद है हमारे पत्रकार भाइयों कि वो भी आज मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक महिला हूँ
और गरीब परिवार से हूँ, तो आप जानते हैं कि गरीब का आदमी कैसे भी मजाक उड़ा सकता है। उस वीडियो में कहीं कुछ भी नहीं कहा गया। मैं उस वीडियो को बनाने वाला कब बनाया क्या बनाया मैं नहीं जानता। मैं शाहिद अहमद जो कार्यकर्ता है, अपने कार्यकर्ता के घर पे पार्टी से संबंधित कैसी भी बात कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। अगर पार्टी से संबंध, क्योंकि उसमें बिल्कुल स्पष्ट मैंने कहा था कि देखो मेरी पार्टी इतनी पैसे वाली है नहीं, हमारे अध्यक्ष जी तुम लोगों को कार्यकर्ताओं को पार्टी से जितना झंडे बैनर जितना कोई कार्यकर्ता खरीद जितना देते हैं उतनों में हम लोगों को करना, कई चर्चाएं ऐसी हो रही। लेकिन उस बात को काट चाड़ के जो किया गया है, उसको कटिंग कर करके लगाया गया है, तो उसका जांच हो। प्रोग्रामों के लिए हो रही कि कैसे कहां का मैनेज करेंगे, अपन झंडा बैनर कहां का कैसे लगाएं, क्योंकि टोरेंट पावर का विशाल घेराव हो रहा है। लेकिन ये कुछ षड्यंत्रकारी, मैं मानती हूँ हमारे ही लोग हैं, उनको ये सब बात पसंद नहीं आई, क्योंकि पहला भी टोरेंट पावर का जो घेरा हुआ, कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी के विचारधारा से नहीं जुड़े थे, उनको नहीं लग रहा होगा, लेकिन गरीब जनता खुश थी, मेरे सभी आगरा के खुश थे। ऐसे ही उन्हें फिर पता चल गया कि प्लानिंग हो रही है, इससे बड़ा घेरा होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि चोर को अच्छा एडिटर है, उसे लाओ और इसकी छवि धूमिल करो। लेकिन मुझे भरोसा है, ये मैं नहीं कह रही, मैं तो उसकी कहूंगी, गलती उसकी है कि जो कार्यकर्ता मुझे अपने घर बुला रहा है, मैं उसके घर पर जा रही, सामान्य सी बात कर रही हूँ, कौन बना रहा है तो उससे पूछा जाए। उसने स्वीकारा है कि मुझे 1 लाख का दिया, उससे बात हुई है, उसने मेरा पक्ष रखा है या नहीं रखा है। लेकिन मैं पक्ष इन तथ्यों के आधार पर रख रही हूँ कि बनाने वाला फ्रॉड बिल्कुल, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, जेल भेजूंगी।